नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। दीपिका पादुकोण आजकल अपनी फिल्म छपाक की प्रमोशन में बिजी हैं। दीपिका इस फिल्म की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, साथ ही वे अलग अलग रियलिटी शो पर जाकर अपनी फिल्म और जिंदगी के बारे में लोगों से बातचीत कर रही हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में दीपिका से उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहों के बारे में पूछा गया। इस सवाल पर दीपिका पादुकोण काफी निराश हुई और उन्होंने पत्रकार को करारा जवाब दिया। खबर है कि दीपिका से एक इंटरव्यू में पत्रकार ने प्रेगनेंसी के बारे में सवाल पूछा। इस पर दीपिका पादुकोण ने फट से जवाब देते हुए कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हूँ? मैं जब फैमिली प्लानिंग करूँगी तो आपसे पूछ लूँगी। अगर आप परमिशन देंगे तो मैं प्लान करूँगी। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो सभी को 9 महीने में पता चल जाएगा। IGNS के मुताबिक इसी इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने सिद्धांत चतुर्वेदी संग फिल्म में काम करने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि ये एक रिलेशनशिप ड्रामा है जिसकी शूटिंग मार्च में शुरू होगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी अगली फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी संग काम कर रही हूँ। इस फिल्म का डायरेक्शन शकुन बत्रा कर रहे हैं। हम इसकी शूटिंग मार्च में शुरू करेंगे। प्रोड्यूसर करण जौहर ने कुछ दिनों पहले ट्वीट करके बताया था कि दीपिका सिद्धांत की ये अगली फिल्म 12 फरवरी 2021 को रिलीज होगी। फिल्म छपाक की बात करें तो ये दिल्ली की रहने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म में दीपिका मालती नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। उनके साथ विक्रांत मैसी नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर मेघना गुलजार की बनाई ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। दीपिका की छपाक का क्लैश अजय देवगन और काजुल की फिल्म तानाजी से देखने को मिलेगा।